यही तो फिर कांग्रेस के पार्षद डंडे वाले डर नहीं जरूरत नहीं करना है ना, डरना इसलिए नहीं है, देखो आप जनता को पानी के लिए बात कर रहे हो, ये गुनाह नहीं है, यही काम करने के लिए तो हमको लोग चुन के बेचते हैं। अब हम लोगों से आपका आशीर्वाद मैं तो ये बात आपको कह रहा हूँ, तो आप भी बने हो रहे अभी इसमें तो 10 तारीख को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से अजमेर संभाग का मेरा बूथ मेरा गौरव कांग्रेस पार्टी का जो कार्यक्रम है संभाग का वो टोंक में हो रहा है। हमने भी शहर और देहात कांग्रेस कमेटी की मीटिंग भी की है, आज भी हम कांग्रेस के साथियों को बुला रखा है, किस किस संख्या में कहां कहां से जाएंगे, हमारे राष्ट्रीय महासचिव जो प्रभारी हैं राजस्थान के अविनाश पांडे जी, प्रदेश अध्यक्ष पायलट साहब, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं अशोक गहलोत जी, सी पी जोशी जी, मोहन प्रकाश जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर जूड़ी जी, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हुए आज तक या पूर्व मुख्यमंत्री जो भी रहे, सभी तमाम नेता लोग आएंगे। आप जानते हैं कि ये चुनाव का साल है और पार्टी युद्ध स्तर पे चुनावी तैयारियां कर रही है, उसी कड़ी में ये कार्यक्रम है और हम उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि इस संभागीय मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम में अजमेर ज़िले से हमारे प्रत्येक बूथ से कार्यकर्ता हमारे साथी टोंक जाएंगे, वहाँ जो पार्टी के द्वारा कार्यक्रम दिया जाएगा उस कार्यक्रम को वापस आके अपने अपने क्षेत्र में लागू करेंगे। सर अभी आपके सामने पानी की समस्याएं भी आई है, कई आपके ही पार्षदों ने, मैं अभी एक दो दिन पहले जिला कलेक्टर महोदय से भी मिला था, ये शहर में तो समस्या है ही है लेकिन ग्रामीण अंचल में इतनी भयानक समस्या है ये कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और मुझे तकलीफ इस बात की है कि ना तो वहाँ सरकार का कोई नुमाइंदा है ना इनके चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, इतनी कड़ियाँ जोड़ी लोगों ने बीजेपी के नाम पर, प्रधान इनका, सरपंच इनका, जिला प्रमुख इनका, एमएलए इनका, और मेरे से पहले सांसद इनका, सरकार इनकी दिल्ली में, सरकार इनकी, और आज उनके गले प्यासे हैं, बूंद बूंद को अजमेर ज़िले का आदमी तरस रहा है और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं, सरकार के पास कोई सोच नहीं है कि कोई कंटिंजेंसी प्लान बनाए, वहाँ टैंकर से पानी पहुँचाए, जलदाय विभाग को मुस्तैद करे, आखिर पानी की ज़रूरत तो हर आदमी को होती है ना, और फिर ये ढिंडोरा पीटते हैं स्मार्ट सिटी का। मैंने स्मार्ट सिटी की पूरी पत्रावली मंगाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो स्मार्ट सिटी का नारा जो उन्होंने दिया उसका पहला कॉलम है, पहला पॉइंट वो है पेयजल, 24 घंटे शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना, 24 घंटे अन इंटरप्टेड बिजली सप्लाई करना। इन महानुभावों से मैं पूछता हूँ, सत्ता में बैठे हुए सरदारों से, ये पहले दो बिंदु है उन्हीं पे आपकी सरकार मात खा रही है, न लोगों को पानी मिल रहा है न लोगों को बिजली मिल रही है, और दाम राजस्थान की किसी भी निर्वाचित सरकार ने इतना पैसा नहीं बढ़ाया जितना इन 5 सालों में पानी का पैसा बढ़ाया इन्होंने, बिजली का पैसा बढ़ाया, मीटर बिजली के चल रहे हैं, बिल आ रहा है लेकिन बिजली मिल नहीं रही है, पानी मिल नहीं रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अब उम्मीद लोगों ने छोड़ दी, एक तरह से अपने हाल पर छोड़ दिया राजस्थान की जनता को, अजमेर की जनता को, इस भयावह स्थिति को। हम तो विपक्ष में हैं और मैं एकमात्र जनप्रतिनिधि हूँ कांग्रेस के नाम का यहाँ पर, तो हमारा दायित्व बनता है कि हमारे दोनों संगठन शहर जिला कांग्रेस कमेटी और देहात कांग्रेस कमेटी, हम मिल के हम कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन दे के आए कि 7 दिन में आप ये सुविधाएँ सुधारिए
लोगों को पानी पहुंचाइए, नहीं पहुंचा पाते हो मजबूर हो कि हमको तो सड़क पर बैठना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा। इसलिए अभी भी पानी की बात है, ये पानी का बंटवारा भी कांग्रेस और बीजेपी के हिसाब से करना चाहते हैं लोग। पहले तो पानी दे ही नहीं रहे, लेकिन जितना पानी अगर दे भी रहे तो क्या मार दोगे क्या कांग्रेस के लोगों को? पानी का बंटवारा कांग्रेस और बीजेपी के हिसाब से कोई सरकार नहीं कर सकती, ना इनको करने देंगे। पानी सबकी जरूरत है, बिजली सबकी जरूरत है, इसलिए ये जो राजनीति शुरू हुई है अजमेर में इसे तुरंत बंद करनी चाहिए। अच्छा, ये विकास में भी कांग्रेस के जो पार्षद है उनके साथ भेदभाव बढ़ता जा रहा है, इसके लिए क्या किया? मैं आज भी कह रहा हूँ कि कांग्रेस की जब सरकार होती है, हम शहर के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। हमारे पार्षद जीते नहीं जीते, लेकिन हमारा ध्येय रहता है कि शहर में रहने वाले हर व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, विकास का लाभ मिलना चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी एक पाप कर रही है जो विकास का बंटवारा भी कांग्रेस और बीजेपी के नाम पे कर रही है। हर चीज का बंटवारा, जाति धर्म का बंटवारा, संप्रदाय का बंटवारा, विकास का बंटवारा, और सबसे बड़ा अपराध कर रही है कि ये जो सरकारी संस्थाएं इनमें बैठे हुए अधिकारी है गवर्नमेंट के, उनका भगवाकरण करने की कोशिश कर रहा। ये 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 संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करने जैसी बातें हैं, और ये हरगिज इस देश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस इसके खिलाफ लड़ेगी।